हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी गर्ल्स रिएक्शन। सो अभी थोड़े कुछ दिनों पहले ही गद्दार 2 का ट्रेलर ऑफिशियली अपलोड किया गया है ऑफिशियल चैनल पे। तो इस मूवी पे सनी देओल एंड अमीषा पटेल मैम है एंड अनिल शर्मा सर ने डायरेक्ट किया है ये मूवी। तो आशा करती हूँ मूवी अच्छा होगा एंड ऊपर से सनी देओल सर एंड अमीषा मैम का ये रीमेक गद्दार 2 वर्शन है। तो अब आप देख लीजिए कि ये मूवी कैसा होगा। पहला ट्रेलर देख के ही आप समझ जाएंगे कि अच्छा होने वाला है। और ऊपर से 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। ओह माई गॉड, सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि 11 अगस्त पर बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवी रिलीज होने वाली है एक ही दिन पे। तो देखा जाएगा अभी कैसा मूवी होता है। और चलिए वीडियो देखते हैं एंड अगर मेरा रिएक्शन अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट पे ज़रूर बताएगा कि कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं, वी गो। के आसार हैं तारा सिंह जी, बैठक की तैयारी करना चाहता हूँ। तुझे तारा सिंह की पहचान दे नहीं, दुश्मनानु पूछो तारा सिंह कौन है। वक्त के साथ साथ हमारे लिए आपकी केयर बढ़ती ही जा रही है। एक चीज और बढ़ती जा रही है मैडम जी। वो क्या? थोड़ा प्यार। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया रहे, मैं वक्त दिल छोड़ आया। बड़े मौके पर आया है तू, आज मिलेगी मेरे कलेजे को ठंडा। अरे वाह, ऐसे ही तड़प रहा होगा तेरा बाप भी तेरे लिए, तुझे बचाने जरूर आएगा। हमें हमारा जीते चाहिए तारा जी। तू फिक्र ना कर, मैं जीते नु वापस लेके आऊंगा। क्या है तेरी आखिरी ख्वाहिश? नमाज पढ़ने जा रहे हैं ना, तो अल्लाह से अपने लिए दुआ मांग लेना मेरा पापे यहाँ ना, क्योंकि अगर वो यहाँ आ गया ना, तेरे इतने चीथड़े करेगा, इतने चीथड़े करेगा, इतने चीथड़े करेगा, तेरा पूरा पाकिस्तान नहीं गिन पाएगा। बहुत जुल्म कर रही है तुम लोगों ने हिंदुस्तान में मुसलमान भाइयों पर। हम उन्हें आजादी दिलाएंगे। कैसे आजादी दिलाओगे तुम अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिले ना हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। तो आ जाएंगे। सही में एकदम सही। As expected, अनिल शर्मा से रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन्स है इसमें। सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा मतलब गूज़बम्स आ रहे हैं। मैं सीन देख के मुझे इतना ज़्यादा शॉक्ड फील हो रहा है, प्लस एक्साइटमेंट है। एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट हमारे दिल में है। सीरियसली पहले वाले गद्दार में आप देखेंगे कि किस तरह अमीषा मैम को पाने के लिए तारा सिंह कितना कुछ लड़े, उसके बाद जाके दोनों एक साथ मिले। फिर दूसरी बार अब गद्दार 2 में उनके बेटे के साथ ऐसा होने के बाद वो तो पूरा बौखला चुके हैं। अब जैसे तैसे हो उन्हें अपने फैमिली को एक साथ लाना है, तो वो इसी फाइट के दौरान आप वो क्या क्या करने वाले हैं इस सीन में, वो इसी गद्दार 2 में आप देख पाओगे। एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है सच्ची।
तारा पाजी ने जो बोला है, एक बात आप सभी सोचो कि अगर पाकिस्तान में अगर अभी भी कोई बोले कि आप इंडिया जाके बसो, तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी खुद यहाँ पे आ जाएंगे इंडिया में बसने के लिए। और बात सही बोला है कि कटोरा लेके घूमते रह जाओगे। सीरियसली ये लाइन मुझे सुन के ना बहुत ज़्यादा गुजबम्स आने लगे हैं। और ये शायद ज़्यादातर लोग, हमसे ज़्यादा 90% लोग बिलीव करेंगे कि ये बात सच है। गाइस गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और ये ट्रेलर देख के इतना मज़ा आ रहा है, रोंगटे खड़े कर दिए। सीरियसली बहुत मज़ा आ गया वीडियो देख के। और सनी सर, इकलौते सनी सर ही है जो ऐसे सीन को इतने अच्छे से एक्ट कर सकते हैं। और उनका दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक ग्लैमर, एक एक्टिंग का चार्म उन पे धीरे धीरे और भी ज़्यादा फैल रहा है। और उम्र के साथ और भी ज़्यादा ग्रूमिंग हो रहा है। सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये मूवी। सीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड ट्रेलर में इतना मज़ा आ गया। आप सोचो जब मूवी हम देखेंगे तब तो भाई मैं तो जाके देखने वाली हूँ सिनेमा हॉल में। आप भी जाइए 11 अगस्त को, एक साथ मिलके सब कोई गद्दार 2 देखते हैं। और अगर मेरा वीडियो का रिएक्शन आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, भूलना मत। एंड कमेंट पे ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा है रिएक्शन में। एंड उसके साथ साथ आप कमेंट पे बताइएगा कि आपके पास कोई रिकमेंडेशन या रिक्वेस्ट है तो ज़रूर आप कमेंट पे बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।